थाना एमआईजी में कुछ परेशान आमजन अपनी शिकायत लेकर पहुंचे कि एक निवेश संस्था जिसमें कई लोगों ने अपने रुपए जमा किए और हाल में खबर ये मिली कि वो संस्था बंद हो रही है। घबराए लोग पहले तो डीआईजी से मिले और फिर संबंधित थाने जा पहुंचे। घबराए लोगों में शंकर नामक व्यक्ति ने मीडिया के सामने रुपए समय पर नहीं मिलने को लेकर कहा कि संस्था के सामने खड़े होकर परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा। शंकर के साथ अन्य परेशान लोग भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। संस्था को लेकर जब थाना प्रभारी से बात की गई तो पूरे मामले में अभी तक कोई परम सामने नहीं आया है। संस्था को लेकर जब थाना प्रभारी से बात की गई तो पूरे मामले में अभी तक कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आने की बात कही और संस्था पर रिसीवर बैठने की बात प्रभारी ने मीडिया से कही। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। उनसे बार बार गया, बोले आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ। मैं तो बोला आपका संस्था कर्ज में डूबा है तो मेरा जो मूलधन है वो दे दो, मैं मेरे को ब्याज भी नहीं चाहिए। मेरे घर में अभी जनवरी मेरे भतीजे की शादी है, बोल रहा आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ। परसों भी गया, फोन उठाता नहीं है, फोन रिसीव करता नहीं है, कभी करता, बोले अभी बाबू जी तबीयत खराब है तो कभी ये बोलता है, कभी बोलता है आधे घंटे बाद लगाऊंगा, कभी फोन नहीं उठाता है, खाली चुके बनाता है। 10 तारीख दे रहा हूँ, 7 तारीख दे रहा हूँ, ये तो साल भर हो गया सर, अभी जनवरी में ये फरवरी में 2 साल का हो जाएगा। इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो बैंक अकाउंट है, ये इस पर कोई DR रिसीवर नियुक्त करते ताकि ये जो पेमेंट है, ये लोग अगर पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं या उनकी निगरानी में पेमेंट हो। जो छोटे छोटे निवेशक है जिन्हें निवेश किया और जिनका पैसा नहीं मिल रहा है या मेच्योर होगी राशि और वापस नहीं हो पा रही, तो वो रिसीवर की नियुक्ति उसमें हो। और फिर वही DRE हमको यह भी लिख के देंगे कि इसमें अगर कुछ फर्जी है या कुछ धोखाधड़ी का हुआ है तो वो हमको रिपोर्ट देंगे, तो उसके आधार पर हम प्रकरण कायम करेंगे। गौ सेवा मंडल के प्रदेश महामंत्री राजेशपुरी गोस्वामी ने बताया कि सीतापुर नगर में एक बछड़ा लावारिस हालत में बीमार पड़ा था, जिसकी सूचना मिलने पर जिला अध्यक्ष सचिन प्रजापति ने पशु चिकित्सालय एवं नगर निगम में फोन पर बीमार बछड़े की सूचना देकर इसका इलाज करवाने के लिए कहा। लेकिन दिन भर इंतजार करने के बाद भी ना तो नगर निगम का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया और ना ही पशु चिकित्सालय से कोई आया। तब गौ सेवा मंडल के सदस्य बछड़े को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वहां से कलेक्टर के रीडर ने पशु चिकित्सालय में फोन किया और मंडल के सदस्य उसे पशु चिकित्सालय ले गए और उसका इलाज करवाया। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। मामला ये है कि एक बछड़ा सीताराम नगर में रात भर से पड़ा हुआ था। वहाँ पर तो मोहल्ले वालों ने सूचना दी, गौ सेवा मंडल से हम काम करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही सूचना ही हम मौके वारदात पे पहुंचे सुबह 8 बजे। फिर हमने पशु चिकित्सालय में, नगर निगम में सब जगह फोन लगाए, तो उसका उपचार भी हुआ पर उसको भर्ती करने की जरूरत थी तो कोई गाड़ी नहीं आई, तो फिर हम खुद जाके गाड़ी लेके आए मारुति वैन के अंदर, पहले कलेक्टर ऑफिस में रखा उसको, उसके बाद यहाँ पशु चिकित्सालय में लेके आए। नेपा नगर के खकनार में बजरंग दल द्वारा हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर से सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता खकनार पहुंचे एवं तहसील से शुरू कर नगर के मुख्य मार्गों तक रैली निकाली। जय श्री राम के नारे लगाते हुए नगर भ्रमण किया। साथ ही मंच से बजरंग दल जिला पदाधिकारियों द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाने को लेकर सरकार व सुप्रीम कोर्ट को जल्द निर्णय लेने का निवेदन भी किया। खकनार से नगीन महाजन की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए बैठे हैं हम तो, चाहे 125 करोड़ हिंदू हैं, जैसे जिला मंत्री ने अभी उद्बोधन में बताया, 125 करोड़ हिंदू हैं, 125 करोड़ भारतीय हैं, जब चाहे जाकर बना सकते हैं, लेकिन एकमात्र हिंदू हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम संविधान के उपासक हैं, संविधान को मानते हैं, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि संविधान के आधार पर हमारा राम मंदिर बनाया जाए। सरकार अगर विलंब करती है राम मंदिर बनाने में तो बजरंग दल क्या करेगा? तो ऊपर हमारे संगठन के ऊपर से जैसा भी आदेश आएगा, अगर कूच करने को कहा जाएगा, तो बिल्कुल हम तत्पर हैं उस चीज के लिए भी।